जनकपुर में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं सीधे ही एयरपोर्ट से अपना लगेज लेके जनक मंदिर की ओर आ गया था। ऑटो वहाँ से इलेक्ट्रिक ऑटो किया था सीधे, उससे थोड़ा फिर मैंने कुछ ब्रेकफास्ट आग किया। ब्रेकफास्ट क्या कुछ खाना ही था, छोले भटूरे खाए थे, अच्छा था काफ़ी। इंडियन साइड में मैं तीन थे, सही था। अभी चलते जनक मंदिर जी, नहीं सॉरी, जनक जी के मंदिर पे, फिर जानकी जी के मंदिर पे और फिर श्री राम जी के मंदिर पे। उसके बाद अभी 11 बजे हुए हैं, जिस वजह से फ़्लाइट की थी वो ये था कि आज ही यहाँ पे जनक तीनों मंदिरों का भ्रमण करके शाम तक मुजफ्फरपुर पहुँचना है बिहार, मतलब आज ही नेपाल छोड़ देना है। इस वजह से फ़्लाइट का डिसीजन लिया गया था। तो अभी फटाफट से चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले जनक मंदिर। तो फिलहाल मैं जनक मंदिर पे हूँ, पूछते हैं उस चौक को क्या कहते हैं। अंकल ये जगह कौन सी है? जनक मंदिर। ओके, इस जगह जनक मंदिर है जो कि जनक चौक पे ही है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, लोग बाग हैं यहाँ पे। अब देखिए जनक चौक पे ही है, अंदर चलते हैं थोड़ा सा हट के। ₹2 दान पहनने चाहिए, कम से कम 5 रुपए की जाता है। आप लोग का भूल है। ये सॉरी सर, इधर से चलते हैं हम लोग। ये कौन हैं देखते हैं। ये गणेश जी हैं इधर की साइड में, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। और स्वयंभू शिव जी महाराज तो सभी जगह पर विराजमान है फिलहाल नेपाल में। तो इतना ही टाइम है हमारे पास और मंदिर भी इतना ही देखने लायक है जितना मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके सामने कोई ताल है, कुंड है वहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं जानकी जी मंदिर की तरफ। चलिए, तो अभी मार्केट से होके निकल रहे हैं। इस मार्केट का नाम है जानकी बाज़ार, ठीक है। और जहाँ पे जा रहे हैं हम, वो जगह है जानकी चौक और जो मंदिर है वो है जानकी मंदिर। पीछे था जनक चौक, जनक बाज़ार और जनक मंदिर, मतलब जो मंदिर है उसके आसपास का जो भी एरिया है उसके नाम मंदिर के नाम के अकॉर्डिंग, मतलब जनक महाराज जी के ऊपर, जानकी जी के ऊपर, उसी हिसाब से रखे गए हैं। जैसे अभी ये जानकी बाज़ार में से निकल रहे हैं और सामने जो दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो जानकी जी का मंदिर है। चलिए चलते हैं अंदर से दिखाते हैं आपको, अगर कैमरा अलाउड हो तो। आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल चमचमाते हुए सफ़ेद संगमरमर तो नहीं आए थे, बट सफ़ेद पत्थर ऐसे चमक रहा है आँखों पे, रोशनी काफ़ी तेज़ आ रही है। ये जानकी जी का मंदिर है। जूते चप्पलों को भाई रिस्क है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा रिस्क है जूते चप्पलों का। तो ये जानकी जी मंदिर है, चलते हैं अंदर की तरफ। ओ ओ ओ, ओ, ओ. बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, कैमरा अंदर वर्जित है। चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं, कैमरा अंदर नहीं ले जाने देंगे आप लोगों से। थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं, तब तक हम दर्शन करके आते हैं। चलिए, तो वापस से स्वागत है। अभी मैंने जनक जी मंदिर, जानकी जी मंदिर, राम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। जहाँ पे जानकी जी मंदिर और राम मंदिर पे कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। अभी मैं यहाँ से बस स्टैंड से सीधा बॉर्डर। तो अभी मैं नेपाल, सर बस स्टैंड चलोगे? कौन से बस स्टैंड? जहाँ से इंडिया के लिए बस मिलेगा बॉर्डर के लिए, इसके ऊँचे उपगांव कौन सा है बॉर्डर यहाँ के लिए? गाँव का। हाँ बस यहाँ से मिलेगा बस? हाँ मिलेगा। मतलब टाइम तो नहीं लगेगा? टाइम कितना हो गया आपका? अभी कहाँ जाना है? 12 नहीं, उपगांव जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है। गाँव जाना है? हाँ, तो चलिए बॉर्डर पे मिलते हैं।